अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि मूंगफलियां पड़ी हुई थी कच्ची हैं, वो तो मैंने फिर बच्चों ने ज़िद की कि जी हमें अभी बना के दें। तो मैंने ये अब्दुल्ला से रेत मंगवाई, लेकिन ये तो मुझे साफ़ नहीं लग रही और बड़ी गंदी है, इसमें काफ़ी कचरा वगैरह भी है। कहाँ से लाए अब्दुल्ला ये? मुझे यही मिली थी। यही मिली थी? तो बेटा इसमें देखो कितना गंदा है, मैं इसको देचकी में तो नहीं डालूंगी किसी हाल भी, इसमें तो इतनी गंदगी है, मुझे नहीं अच्छी लग रही है साफ़, तो मैं तो इसमें नहीं बनाऊँगी। तो ये फिर मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ, और मैंने शॉप से मंगवाए हुए हैं अब्दुल्ला को भेज के फिर नमक मंगवाया, और मैं अब कोशिश करती हूँ कि नमक में ये हो जाए, क्योंकि सुना हुआ था मैंने कि नमक में जो है ना ये हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने ये इससे नमक मंगवाया, ये 10-10 रुपये के 2 पैकेट मैंने मंगवाए, और ये कढ़ाई चूल्हे पर रख दिए इसको अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके। तो अब इसमें डालती हूँ मैं, और फिर इसको चूल्हा जलाती हूँ, और फिर इसको ना इसके अंदर भूनेंगे। तो देखिए अभी बस चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है, और कढ़ाई में भी थोड़ा सा पानी था, मैंने इसलिए इसकी जो आँच है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ रखी कि जल्दी से इसका पानी खुशक हो जाए। और उसके बाद फिर हम मैंने नमक के जो पैकेट थे वो कैंची से इस तरीके से काट लिए थे, क्योंकि जो वीडियो थी वो खुद ही मैं शूट कर रही थी, तो एक हाथ से फिर मैंने मोबाइल को पकड़ा हुआ था, तो एक हाथ से हम इस तरीके से इसमें नमक डालेंगे। इसमें आ गई है अच्छी जीरा, ये देखो डला आ गया था उसके बीच में, तो वो निकाल नहीं पा रहा था। ये 10 रुपये का एक पैकेट मिला है, तो इसके लिए तो बेस्ट है, हमने सिर्फ मूँगफलियाँ भूननी है इसमें, बाद में मैं इसको संभाल के रख लूँगी। तो ये अल्लाह ना करे किसी को कोई चोट वगैरह भी लगी हो ना, तो इसका सेक करके ना ऐसी गर्म करके किसी कपड़े में आप बांध लें, और उससे सेक करें, टिकोर करें चोट की, तो बहुत अच्छी फ़ायदा देता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। खुल जा अल्लाह के बंदे। चलो जी ये तो डल गया है, दूसरा जो पैकेट है वो भी हम डालते हैं इसे। तो देखें अभी बस नमक जो है वो मैंने इसमें डाल दिया कढ़ाई में, और इसको अब अच्छे तरीके से हम गरम करेंगे। पहले अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा जिस वक्त, उस वक्त मैं इसमें मूँगफलियाँ जो हैं वो कुछ डालूंगी कि अच्छे तरीके से हम उसको हिला सकें, ये ना हो कि वो मुँह तक इसके बर्तन तक आ जाए मूँगफलियाँ, और फिर हम हिलाएँ तो वो सारा कुछ नीचे गिरे। तो ये भी एहतियात करेंगे कि हमारा चूल्हा भी जो है वो भी गंदा ना हो, क्योंकि अभी तो मैंने वैसे भी साफ़ नहीं किया। सुबह नाश्ते के बाद एक ब्लॉग बनाया था, ब्लीच लगाई थी आज मैंने अपने फेस पर, टाइम ही नहीं मिलता, उसके बाबा इतना बोल रहे थे कि अपनी भी कोई थोड़ी सी केयर कर लिया करो, सारा दिन बस काम काम काम। तो पहले इतनी अच्छी रूटीन थी, सुबह सुबह उठती थी मैं नमाज़ पढ़ के फारिग होके, तो फिर करके ब्रश बालों में हल्की सी लिपस्टिक लगा लिया करती थी, शुरू की रूटीन थी मेरी। तो बस अब ऐसे झंझलों में और मसलों में बंदा फंसा होता है सुबह सुबह, किसी को देर हो रही होती है, किसी की बहन आ गई होती है, कि अपने ज़ात के लिए इंसान के पास टाइम ही नहीं होता। ये भी ऐसा ही है, ज़िंदगी है, साथ साथ सारा कुछ ही करना पड़ता है। तो जनाब हमारा यहाँ नमक अच्छे तरीके से हो गया गरम, अब हम इसमें डालेंगे अपनी पीनट्स, और मेरा अब्दुल्ला देखें खड़ा हुआ है इंतज़ार में कि मामा जैसे मैं उसे बनाएंगी फटाफट। अब्दुल्ला साहब पहले देखेंगे, अटैक करेंगे अब्दुल्ला साहब सबसे पहले। अब्दुल्ला सही बना रही हैं मामा? हाँ जी सही बना रही हैं। आपको पता कैसे बनाते हैं? इसमें अदरक। हाँ कहते हैं जी, इसमें अदरक डालेंगे। वाह भाई वेरी गुड, इसमें कुछ भी नहीं डालता, ये बस ऐसे गर्म करके ना, और हम पीनट्स इसमें ऐड कर देंगे। बेटे आपने वो नहीं देखा रेड़ी पे जो मूंगफली भून रहे होते हैं उन लोगों ने अदरक पीस के डाले? नहीं अदरक वगैरह कुछ भी नहीं डालते, बेवकूफ बच्चा। चले जी इसमें डालती हूँ अब मैं पीनट। तो देखिए व्यूअर्स मैंने इसमें पीनट जो हैं डाल दिए, और अब इसको अच्छे से हिलाएंगे। आज थोड़ी सी हल्की कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज है, तो वो मैंने नमक को गर्म करने के लिए इसमें डाली थी। और जब इसको इस तरीके से हम भूनेंगे ना, तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। मुझे याद आया शादी से पहले हम लोग ना अब्बू के साथ मिल के ऐसे करते थे, नमक में हमने एक दफ़ा भूनी थी,
बस मुझे वो ही याद है। और एक दफ़ा छली के दाने भी हमने इसी तरीके से भुने थे। अब वो काफ़ी सारी छलियाँ ले आए थे तो फिर हमने उसके दाने निकाले, और जब दाने निकल गए तो उसको इसी तरीके से नमक को गर्म करके हमने छलियों के दाने भुने थे। और वो यकीन करें इतने मज़े के थे, इतने मज़े के, दोबारा हमने बनाए तो नहीं, लेकिन अब जब भी कभी छलियाँ आएंगी ना घर में तो मैं ज़रूर दोबारा ट्राई करूँगी इसको। और वो जो छली बाज़ार से लेते हैं उसमें तो खैर से नमक ही इतना ज़्यादा होता है नमक वाली में, और दूसरी वाली लें वो जो पानी में उबाली होती है तो उसमें मसाला वो इतना तेज़ लगा लेते हैं तो मुझे ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो फिर मैं इतनी ज़्यादा नमक वाली चीज़ खा नहीं सकती। देखें बस अब ये जो मेरा लास्ट पार्ट था इसका पीनट का, वो मैंने इसमें डाला हुआ है, तो जैसे भुनती हूँ फिर मैं इसको निकाल लूँगी। और ये बाकी जो थी वो मैंने भून के ऐसे छानी में डाल दी है। और मेरे पास ये निकालने के लिए पहले तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, फिर मैंने ये यूज़ किया और इसकी मदद से फिर मैंने इस तरह डाल के तो उसको इस तरह हिलाया तो उसकी मदद से सारा जो नमक था वो नीचे गिर गया और बड़े आराम से बड़े तरीके के साथ जो पीनट थी हमारी वो सेव रही। तो पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी किससे निकालूँ, जहन में नहीं आया कि ये भी पड़ा हुआ है मेरे पास, तो मैंने छाबी में डाला। छाबी में डाल के वो किया तो जली तो नहीं छाबी, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा देर उसे करती तो ख़राब हो जानी थी। फिर मैंने उसको हटा दिया और फिर इसको किया, चूल्हा कर देते हैं बंद और इसको देखें इस तरीके से अपने हाथ को भी बचाना है और आराम से ये देखें। फिर हम लेंगे ऐसे तो जिनको आदत होती है वो तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं इस काम में, लेकिन हम लोगों ने तो कभी कभार ऐसे गिफ्ट इस तरह कच्ची आई होती है तो उसको बनाना उसका एक अलहदा ही मज़ा और अलहदा ही खुशी होती है। बाज़ार से लेके खाने में तो वो मज़ा नहीं ना आता जो इस तरीके से खुद भुनने में और फिर उसको छील के खाने में, क्योंकि मेरे घर जो अक्सर है ना वो ये जो बाज़ार की नमक वाली पीनट होती है ना वही आती है, कि जान के इमरान भी दूसरी वाली नहीं लाते कि फिर बच्चे छीलेंगे और उसके छिलके गिराएंगे गंद होगा, तो बच्चे तो अवॉइड नहीं करते किसी भी चीज़ से, उन्होंने तो बस गंद करना होता है, तो वो ना कभी लाते ही नहीं इमरान ये वाली, वो हमेशा छिली हुई लाते हैं। तो ऐसे सारी इकट्ठी कर लेंगे इस तरीके से। तो जनाब हमारी जो पीनट है वो हो चुकी है रेडी, और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, उससे मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे आप बताते हैं कि आपकी वीडियो आपकी अच्छी बनी थी, हमने ऐसे ऐसे किया, हमने ये चीज़ बनाई बिल्कुल परफेक्ट बनी, तो यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ की। तो जनाब इस जो नमक है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको ठंडा करके किसी बॉटल में मैं भर लूँगी, तो इसको फिर किसी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है, दोबारा पीनट भी आ सकती हैं और ना भी पीनट आई तो ये है कि बाज़फ़ा ना टिकोर करने के बड़ा काम आता है, जिस तरह हम पत्थर गर्म करके टिकोर करते हैं हड्डियों वगैरह की तो उसके बड़ा काम आता है। तो जनाब यहीं मैं वीडियो को एंड करती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।